अभी बज रहे 6:20 और आइए शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये जो रास्ता है अभी थोड़ा सा डेंजरस है, डेंजरस इसके लिए है, नॉट बिकॉज कि टेरेन ख़राब है, डेंजरस इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस घूमते रहते हैं। आप देखेंगे सड़क के बीच में बैठे रहते हैं, और रात को तो कल काफ़ी ऐसा अंधेरा रहता था और दिखते भी नहीं थे, तो बहुत ये था प्रॉब्लम। आई थिंक मैं अपना ग्लव पहनना भूल गया, एक बार देखना पड़ेगा किधर है। तो दोस्तों यहाँ से जो अभी रोड मिलेगा हम लोगों को, ये 2-लेन रोड ही रहेगा, बीच में कोई डिवाइडर नहीं रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जो सामने बस जा रही है, अभी इसको ओवरटेक करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे 2-लेन रोड में ट्रैवल करते हैं और सामने वाले किसी भी अगर आपको व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो थोड़ा सा लेफ़्ट होकर के आप देख लीजिए कि सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी लॉन्ग राइड्स जब आप करते हैं या इनफैक्ट कोई भी राइड्स करते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस बहुत ही प्लेजेंट होता है, और ऐसे टाइम पे आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक अनप्लेजेंट एक्टिविटी आपके साथ हो जाए। सो हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि आप जब भी ओवरटेक कर रहे हैं तो आप आगे वाली गाड़ी को देख लीजिए, और थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट डिले हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉपरली देखने के बाद ही हम लोगों को उसको ओवरटेक करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं लेफ़्ट साइड में देख रहा हूँ कि आगे एक और गाड़ी है जो अभी आ रही है, तो मैं इसको अभी ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। और मोस्टली आपको ये सब गाड़ियों के टाइम पे ड्राइविंग के लिए मैंने एक राइडिंग टिप्स का भी एक वीडियो बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो मैंने उसमें बताए थे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे एक्सपीरियंस सारे सही हों, बट मुझे जो सही लगा था उस टाइम पे मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो थोड़ा सा केयरफुली जब भी ड्राइव करें, जब भी राइड करें, तो ध्यान में रखिए और अच्छे से चलिए। जैसे अभी ये ट्रक आई और उसको सामने से मुझे दिख नहीं रहा था, अभी देखिए ये गाड़ी भी ओवरटेक कर रही है और मैं भी इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, सामने वाली गाड़ी भी इसको ओवरटेक कर रही है। तो जैसे अभी मैं अभी ओवरटेक जो कर रहा हूँ इसको, ये ठीक नहीं है, वो सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके लेफ्ट में जाना चाहिए, उसके बाद ही मुझे ओवरटेक करना चाहिए था इस गाड़ी को। सो थोड़ी चीज़ें जो होती हैं रास्ते पे, पूरा का पूरा ड्राइविंग जो होता है सब अजम्पशंस के ऊपर होता है, बहुत सारा चीज़ आपके ड्राइविंग सेंस के ऊपर होता है, जो आप अज्यूम करके चलते हैं, आपका जो उस समय का गट है, जो उस समय आपको फ़ील होता है, उसके हिसाब से आप चलते हैं। तो दोस्तों जब भी आप राइड करिए, सेफली राइड करिए, अपने हाईवेज के ऊपर अपने राइड को और इन्जॉयबल बनाइए। सो मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा राइडिंग के बारे में आपसे बात कर लेते। तो आइए अब म्यूज़िक सुनते हैं और आगे चलते हैं।
एक्चुअली अजमेर बाईपास होके निकल जाऊंगा, अजमेर सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा। मेरा जो लेफ़्ट साइड में जो आपको एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा होगा वो एरिया है एक्चुअली अजमेर शरीफ का। अजमेर इज़ फेमस फॉर देयर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजमेर शरीफ का दरगाह है जहाँ पे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बहुत सारे रिलीजन के लोग वहाँ पे जाते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं। इसके लिए एक फेमस पिलग्रिमेज है फॉर मुस्लिम ब्रदर्स। सो कभी आप यहाँ पे आइए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक्चुअली इसके आगे का जो लेफ़्ट आपको दिखेगा वो लेफ़्ट इस अजमेर का रास्ता है सिटी के अंदर जाने के लिए, और यहाँ से सीधे आप दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं। सो आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ। अजमेर इज़ जस्ट बाईपास फॉर मी, अभी मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इसके पहले अजमेर जयपुर पुष्कर ये सब जगह पे जा चुका हूँ। अजमेर के बहुत ही पास में एक पुष्कर करके जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्मा का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, ऐसी एक कहानी भी है वहाँ पे। तो पुष्कर के बारे में भी अभी कभी हम लोग राइड करेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो आइए अभी चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों अजमेर क्रॉस करने के बाद मैं चाय के लिए रुका यहाँ पे, और मेरे दो सब्सक्राइबर्स यहाँ पे मुझे मिल गए, और चाय पीते पीते मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पिछले पहिए की व्हील की हवा थोड़ी कम हो रही थी, तो वहीं पे पंचर वाला था और एक हवा भरने वाला था। मैंने उसको बोला एक हवा चेक करते हैं, तो उसने देखा हवा बहुत ही कम था, तो फाइनली फिर उसको बोला कि थोड़ा हवा चेक कर लो, और हवा चेक करके देखा तो उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पंचर भी निकला, तो एक वो पंचर बनाने का एक्टिविटी शुरू हुआ। मीनवाइल मुझे वहाँ पे मेरे दो सब्सक्राइबर भी मिल गए जिन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें की अबाउट राइड्स एंड ऑल। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि शायद आप मुंबई कर निखिल हैं। बोले नहीं नहीं मैं मुंबई कर निखिल नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ। वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर भी है। तो फाइनली उन लोगों के साथ डिस्कशन किया, बहुत सारे राइड्स के बारे में बातें की, उन्होंने बहुत सारे हमारे वीडियोस भी देखे थे। तो उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स आपको मिलते हैं रास्ते में और आपसे बातें करते हैं। प्रॉब्ली मैं तो बहुत ही छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें से भी बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरे फर्स्ट कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मिले। इनफैक्ट आगे के ट्रिप्स में भी आप देखोगे कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले हैं। ये मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज रोड में इतना ज़्यादा साउंड था ट्रक्स का कि जो भी मैंने इनके साथ बातें की वो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें वॉइस का क्लैरिटी बहुत अच्छा नहीं था। तो फाइनली जब ये वीडियो में एडिट कर रहा हूँ उस टाइम पर मैंने ये वॉइस ओवर इसके अंदर दिया। सो अभी एक पंचर का छोटा सा इवेंट है, उसको मैं टाइम लैप्स में आपको क्विकली दिखाता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। सो दोस्तों ये पहला पंचर हिमालयन का अभी ये बन रहा है, फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली की तरफ। दोस्तों ये मेरा पहला पंचर हुआ। इनफैक्ट लास्ट 15 ईयर्स में व्हेनेवर आई एम राइडिंग और हिमालय में पॉसिबली पहला पंचर था। लकीली मैं जहाँ पे चाय के लिए रुका वहीं पे मैंने देखा कि हवा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो देखा तो एक छोटा सा कील घुसा हुआ था उसके अंदर, तो वहीं पे बाजू में ही पंचर वाला था तो उसने बना दिया। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए मुझे वहाँ पे, दो सब्सक्राइबर्स मिल गए इसके पहले मुझे उदयपुर में मिले थे, फिर भीम में जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइबर लोगों ने बोला मैंने आपकी गाड़ी देखी। अच्छा लगता है दोस्तों जब जानने वाले मिल जाते हैं।
क्योंकि बॉम्बे से निकला हूँ, मैं जाऊँगा अभी चाइना बॉर्डर। अच्छा, चाय पिलाएं आपको? नहीं नहीं, ले लो ले लो, चाय ले लो। नहीं नहीं, चले आओ, हम पिलाते हैं आपको। आइए चलिए चाय पीते। सौ 120 तक जाती है, लेकिन 100 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं हूँ बॉम्बे से। नाम है सुजीत। ये क्या कैमरा है क्या सर? ये कैमरा है। सामने वाला इसमें चलता रहता है, रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो दोस्तों, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद मैं दिल्ली की तरफ निकला और गुड़गांव के जस्ट पहले मैं एक नए हाईवे पे पहुंच गया, और आइए देखते हैं वहां पे क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, रोड साइकिल ना बंद कर रहे हैं आप? बंद कर रहे हैं? बाइक अलाउड नहीं है? नहीं। फिर आप कहाँ जाना? हमको नोएडा जाने के, हम तो बम्बई से आ रहे हैं। मुंबई से आ रहे हो तो आप ऐसे जाना नोएडा, इस रोड से निकल जाओ, उसको बाइक अलाउड नहीं। तो अभी कैसे जाऊँ? अभी उल्टा जाऊँ यहाँ से? हाँ, वापस जाना पड़ेगा। ऐसा उल्टा कैसे जाऊँगा? वापस जाओ, 2 किलोमीटर ऐसे कट पड़ेगा सामने। हाँ, यहाँ से चले जाओ। उधर कट है क्या वापस जाने के लिए? बट किधर, उधर लिखा नहीं था कहीं पे जब मैं आया तो? नहीं, जो एंट्री पॉइंट है ना, जो हैं चढ़ने वाले, उन पर लिखा हुआ सब। मैं वहाँ से पुलिस वाले को पूछ के ही आया, बोले आप सीधे जाओगे तो पहुँच जाओगे। जा तो आप पूछ जाओ। रोकता नहीं है कोई आगे? नहीं, जाओ आप तक पूछ के आया तो। उधर जब ही जहाँ पे एंट्री मारा ना ये हाईवे पे, वहाँ पे उनको पूछा तो बोले कि जाओ सीधा यहाँ से। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, आफ्टर ये सब डिस्कशन और पंचर और ये सब होने के बाद मैं ऑलमोस्ट अभी पहुंच रहा हूं नोएडा, और एक घंटे में पहुंच जाऊंगा। और दिल्ली में मैं रुकूंगा एक 3-4 दिन, फिर वहां से मैं निकलूंगा लखनऊ के लिए। फिर आइए मिलते हैं लखनऊ वाले ट्रिप में, और तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतना प्यार देने के लिए आपको धन्यवाद। Thank you.